हेलो वेलकम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तस्कीर। आज की वीडियो में हम देख रहे हैं टेस्ट वीडियो। आई गॉट अ मैरिज प्रपोजल फ्रॉम अ पाकिस्तानी टिकटॉकर। दीज किड्स मस्ट बी स्टॉप। ये नदीम नानी वाला एंड दूसरी जो है अनका, जो ये कंट्रोवर्सी थी, ये जो सीन था, बहुत लेट बना रहे हैं। डक्की भाई को पता नहीं क्या हो गया, बहुत लेट वीडियोज़ आ रही हैं उनकी इस टॉपिक पर। काफ़ी लेट वीडियो है इनकी, बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हैं। आई डोंट नो, दूसरे कामों में ज़्यादा टाइम दे रहे हैं या इस पर इनका इंटरेस्ट कम हो गया है। लेकिन काफ़ी टाइम बाद ये कुछ आया है कि भाई को देखते हैं कि क्या जवाब देते हैं वो अपने वीडियो में, क्योंकि डकी भाई का भी नाम उसमें शामिल था। लेट्स स्टार्ट द वीडियो नाउ। मेरी और डॉली की एंगेजमेंट पर मिस्टर जेरी ने 5 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। इसके साथ साथ डकी भाई ने यूट्यूब पे मुबारकबाद देने वाली वीडियो बनाने का ऐलान ट्विटर पर कर दिया है। आज भाई अपने अपने चिप्स के पैकेट पकड़ लो, क्योंकि आज हम लोग नदीम को मुबारकबाद देने वाले हैं। क्या है यार, ये बदतमीज लोग है यार। भाई रुको ना, रुको तो सही। मुबारकबाद देने वाले हैं, लेकिन पीछे से अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो क्या चल रहा है आजकल? मैं हूँ आपका फेवरेट जन्नती। वीडियो शुरू होने से पहले मैं तुम लोगों को बताना चाहता हूँ कि काफी ज्यादा लोग ना चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर वीडियो देख रहे हैं। तो यार ये तो बहुत गलत बात है यार, ऐसे काम तो नहीं होता यार। रोना शुरू कर देना यार मैंने। तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन साथ दबाओ। अब सबसे पहले तुम लोग मुझे ये बताओ कि मेरा और नानी वाले का ताल्लुक क्या है, रिश्ता क्या है भाई? रुको जरा, सबर करो यार। नदीम एक फेवर चाहिए थी। हाँ मुझे बता कि अपना यूसी का कोई सीन हो सकता है इस वक्त? अभी अफ्तारी के बाद, अफ्तारी के बाद जाहिर है रोजा मकरू भी हो जाएगा ना। फिर यूसी चाहिए 1 लाख। यार ये यूसी का बिजनेस तो फिर करना पड़ता है ना यार, समझा करो। खैर मैं अपनी यक्कियों में बिजी था, तो मुझे इस शापड़ की किसी ने वीडियो भेजी जहाँ पे ये कह रहा है कि क्या आप लोगों को पता है कि डोली मुझसे एक दिन बड़ी और डकी भाई से एक दिन छोटी है। अगर आप लोगों को यकीन नहीं तो डकी भाई से पूछ लो, लेकिन ऐसा मत कहो कि डोली 50 की है, डोली 60 की है। मैं तो जब भी डोली को देखता हूँ मुझे तो वो 16 से ज्यादा की लगती ही नहीं। तो प्लीज ऐसा मत कहे, दिल मत तोड़ो। तो आप भी मेरा साथ दें। साथ नहीं, इस वक्त बंदा बैठ के तुझे आम की घुटली के चूपे लगवाए। बंदा पूछे डोली शोली छोटी हो या तेरी नानी के साथ हॉकी खेलती रही हो, मुझे क्यों बीच में रख रहा है भाई? तेरी और डोली की शादी पे मैंने एम्पायर बनना है? मैं जो मैं बैठ के तुझे इनिंग्स खिलवानी है जो मेरे साथ कंपेयर कर रहे हैं? लोग प्रोपोगंडा करते हैं, तेरे ने तो बैठ के प्रॉपर गंडू किया है भाई। कुछ और नहीं मिला तो शादी का चुटियापा शुरू कर दिया। और कौन सी शादी बे? हरकतें देखी है तूने अपनी? आवाज तेरी ऐसी है जिवें कुत्ती ट्रक विच वज्जी होंदी है। मुंह तेरा उल्टी आले शापर वरगा है। पहले डोली से शादी हो रही थी, अब किसी और से हो रही है। मेरा पुत्र मेरी गल सुन, डोली को बहन बना और प्रूफ कर दे कि तू बहन चो। कंट्रोल कंट्रोल उदय, मतलब हमारे हाथों की लाइनें घसीट घसीट के गायब हो गई हैं भाई। पकड़ा जाता नहीं अपना, और ये चुपा ब्रिगेड रोज रोज बच्चियां बदल रहा है। डोली तुम्हारे और मेरे चर्चे सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, अब तो पूरे यूके में भी तुम्हारे चर्चे हैं। और ये मेरा फ्रेंड मुझे मिलने आया है और ये कुछ कहना चाहता है। चल जा पैनिया का काम कर जाके। ये क्या कह रहा है? वो कह रहा है जा पैनिया का अपना नारा संभाल और दवा हो जाए यहाँ से। तू बच्चियां टट्टू संभालेगा, तेरे से अपना नारा तो संभाला नहीं जा रहा। वो भी कह रहा है कि भाई निकालो मुझे इस पियापे की जगह से। और कोई बंद पंगा नहीं मिला, कहता है कि नानी वाले की शादी के लिए सिंध हाई कोर्ट ने टिकटॉक पे बैन लगा दिया। सिंध हाई कोर्ट ने ऑर्डर ही दे दिया है कि अगर नदीम नानी वाले ने शादी करनी है तो टिकटॉक पाकिस्तान में बैन रहेगा। और टिकटॉक इसलिए बैन नहीं हुआ, मेरा पुत्र टू जो अली हैदराबादी के अंदर ड्रिल मशीन डाल के कुआं खोद रहा था ना, वो खुदाई देख के जज ने बोला कि इन दोनों चूतियों को पुराने नारे से बांध के इनकी डुई पे लितर मारो। 2 साल से जो तू अली हैदराबादी के फूल में जो पानी डाल रहा है वो तो फिर वर गया, उसको तो हो गई तलाक। कल तक तो तू लोंडो में इंटरेस्टेड था, अब तू लड़कियों के साथ बैठ के कपल बना रहा है। चाहता क्या है भाई तू? मैं तो गांड मराना चाहता हूँ। हर दूसरी मोड़ी में तो तुझे अपनी शाम को जगह देनी है। चल तू मेरी तरह से बेशक अपना लुलबुसा जा, मुझे तो बीच में ऐसे घसीट रहा है जैसे मैंने सुहागरात में बल्ब लेके खड़ा होना की किसी गलत सुराग में ना डाल दे। ये ना हो कि सही सुराग में चला जाए तो मिनी नानी वाला इस दुनिया में तशरीफ ले आए। जैसे तू आईफोन दे के लोग ही लेते, मिनी नानी वाला इधर नोकिया का धंधा खोल के छोटे बच्चों का ठोकिया बना फिरे। मुझे बस कोई ये बता दे कि मैंने कौन सा निकाह पराने तेरा, या मैंने ट्रैफिक वालों की तरह तेरी सुहागरात में वाजे लगा लिया कि उस्ताद जी आंदे हो पुत्र आंदे हो, या मैंने आके तेरी तरह से दूल्हे का बाप बनने। और कसम से मैं अगर तेरा बाप होता तो कभी तेरे जैसा पाप ना करता, लगा लेता उस दिन बैठ के भाई। यार देखो एक उड़ता तीर होता है ना, समझदार बंदा उसके साथ उंगल नहीं करता, लेकिन इसके ना दिमाग में किसी ने लुलवारा हुआ है। यह हवा में तीर ढूंढेगा और अपनी बन में समझ बॉन्ड के साथ घुसाएगा कि कभी निकले ही ना बाहर। यार ये ना 2021 का मॉडर्न ढांचा है। कहता है हीर तेरी, तीर मेरा, सौदा फेरा तेल भी मेरा।
ओए होए होए यार, ये राइम गेम मेरी अच्छी नहीं होगी शेरो शायरी वाली। मैं तो कहता हूँ अगला डिस्ट्रैक्ट निकालते हैं इस शोरे पे। इस वीडियो पे अगर 7 लाख लाइक्स हो गए, जो मुझे पता नहीं होने इसलिए मैं रख रहा हूँ, तो फिर इस शोरे पे आएगा डिस्ट्रैक्ट। शर्मिंदा नहीं हुआ, कहता है कि मैं इसको मुबारकबाद दूं। मुबारकबाद नहीं काके, मैं तेरी बुड़े पे लात जरूर दूंगा। मेकअप करके जितना तू भोला हुआ है ना, तुझे 10 मिनट बंदा भोले के साथ छोड़े निकाल देगा तेरे कपल वाले शौक सारे। भोले से याद आया जब नदीम डोली छोली के पीछे नहीं पड़ा हुआ था, और डोली नदीम के पीछे नहीं पड़ी हुई तो डोली के पीछे भोला पड़ा हुआ था। मनु तो पाकिस्तान देखो कुड़ी पसंद डोली बोलन दिल करता है सेंटर च रख के सो रही है। और फिर कर दिया नदीम ने डॉली को प्रपोज। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि नदीम नानी वाले ने मुझे प्रपोज किया है। और फिर और डॉली को प्रिया तेन शर्म नहीं आती है? कभी भैन बचिए गड्डी च बहनी, कभी लता चुकनी, कभी कुछ करनी है। भैन पूरे लोन खा गई है, तेरे ते लखा कुड़िया सोनिया ने डर मारे लाने से तेरे से वी तू डॉली बनी है। अबे मैं तो कहता हूँ अगर ये चीज न्यूज़ में आई होती ना हेडलाइन, भोले को हुआ खड़े लाइन पे धोखा, आंखें बंद की तो नदीम ने पीछे से ठोका। गली में चलते किसी कुत्ते को बिला वजह पत्थर मारा ना तो वो ऐसे करता है। पूरे लोनू खा गई है, इसका बस नहीं चल रहा ये नदीम की ड्रीम को लता फेंक के तबाह कर दे। ऐसे बंदे से कहो ना कि गालियां देने से कब्र में बिच्छू पैदा होते हैं, तो ये वो बंदा है जो कहेगा कि बिच्छू दी भी पहनो, मतलब 5,000 दिरहम वाली को छोड़ के ये रोली पोली छोली को कह रही है कि ये मेरे लिए अच्छी है। इसके बालों के साथ इसकी अकल भी वार गई है। जैसा इसका सर रहा है अगला वर्ल्ड कप इसकी टिंड पे करवाते हैं। वैसे भी अकल दिमाग वहाँ है नहीं, खाली ग्राउंड है, नहीं तो इसको उल्टा करके स्टेडियम की बल्ब की जगह लगा दो, टिंड की लाइट नाइट मैचेस में काम आएगी। बोले को छोड़ो इसकी फिर कभी लेंगे, तुम लोगों को एक बात बताता हूँ, अब ऐसे मौके पे ना हमेशा जब कुछ उल्टा होता है तो एक बंदे के अंदर काड़ी साहब चार्जिंग करेगा और उसको हाजी मुबशिर बना देगा। तरह तरह के ट्रेंड आते हैं, जैसे आजकल भी शादी को मजाक बनाया जा रहा है अपनी हाइप क्रिएट करने के लिए, अपनी प्रोफाइल की हाइप क्रिएट करने के लिए। आपस में बातचीत करने के बाद ये लोग ट्रेंड बनाते हैं कि मैं इस तरह करता हूँ मेरी हाइप क्रिएट होगी। लेकिन आई डोंट माइंड कि आप लोग किसी भी तरह के चैलेंजेस बनाएं, किसी भी तरह की वीडियोस बनाएं, लेकिन प्लीज निकाह या शादी का मजाक नहीं बनाएं। आजकल ये लोगों को सिखा रहा है कि ठीक क्या है और गलत क्या है। तेरे जैसे वो कारी साहब भी आके कहते हैं कि बाकियों की क्लास 9 के बाद, तेरी रात 2 के बाद। अपनी हरकतें देखी है तूने, 100 में से आखिरी 1% रह जाने वाले जरासीम। खुद जो तुम बाजियों को लेके सारा दिन चुतियापे करते हो, उस दौरान होश नहीं आता। वैसे 2 मिनट निकालो तुम लोग जरा और ये देखो। निकाह या शादी का मजाक नहीं बनाए यार। फिजा मेरे से शादी कर लो। मैं शादी ना किसी शरीफ इंसान से करूंगी। यार मैं बहुत शरीफ हूँ, तुम मेरे घर आके तो देखो हर कमरे में मस्जिद के पंखे लगे हैं। निकाह या शादी का मजाक नहीं बनाए। सही बता रहा हूँ, इस मुंह के साथ ज्ञान देता हुआ बहुत फजूल लग रहा है भाई। एंड ऑफ द डे वो भी टिकटॉकर है, तू भी टिकटॉकर है, तुम लोगों का अकल सेंस और लॉजिक से तो कोई लेना देना है नहीं दूर दूर तक। इसलिए ज्ञान चंद बकरी सिर्फ एक काम कर और वो ये है कि बाप को मत सिखा, चल इस मलाई को छोड़ो, इसको देखो जरा। माय गॉड गाइस, ये टिकटॉक है या मैरिज ब्यूरो, जिसे देखो वही कपल बना रहा है। अब मैं भी तो शुद्ध देसी कमा रहा हूं, और आप लोगों को कहा था मेरे लिए कपल सिलेक्ट करें आपने, डकी भाई भाई तो खैर वो आपके होंगे, तो मैं आप लोगों की राय को मद्देनजर रखते हुए डकी को प्रपोज करता हूँ। अगर डोली नितिन नानी वाले को हाँ करती है तो मैं भी डकी को प्रपोज करता हूँ। डकी आ जाओ, हम भी अपने हाथ लाल पीले कर लेते हैं। मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? मुंह पे तेरे ट्रेन की टनल बनी हुई है और लोगों से कह रहे हैं मेरे लिए कपल सिलेक्ट करो। क्यों तेरे CNIC में बाप का नाम छोड़ के मोहल्ले पूरे का नाम लिखा है? पेओ है तेरे जो वो तेरे लिए कपल सिलेक्ट करें। अब कहता है कि मैं शुद्ध देसी कवारा हूँ, तुम पता है क्या हो? विशुद्ध चूतिया लड़के हो तुम। नदीम नानी वाला बेशक तेरे नाने से ताल्लुक रखे, तू अगर मेरे करीब आया ना मैं पहले ही बता दूं लोरा फेंक के मारूंगा, घर तक बच्चे देता रहेगा। हाथ लाल पीले का तो नहीं पता, लेकिन जब तेरी बुड़ पे छितर पड़ेंगे ना तो तशरीह जरूर खून से लाल होगी और टट्टी से पीली हो जाएगी। और ये कौन सा प्रपोजल है जिसके एंड पे लो बजट चीखे मार जाती हैं। मैं बता रहा हूँ कोई प्रपोज करे ना करे, लेकिन अगर इसने दोबारा प्रपोज किया ना इसकी डांड में मैंने बाजा दे देने, सारी उम्र बजता रहेगा। और मुझे ये बता एंड पे तूने उड़ने की कोशिश की है, किसी ने चप्पा दिया है जो उछल रहा है? अजीब किसे डड्डू का पुत्र है गए, नाम वेग अपना साइलेंट कोई साइलेंट, सिर्फ तू मूछदारी की साइड पे ही है, लगता है मम्मा पे गया। अब अगर इनमें से किसी ने बकचोदी की ना, मैं सच बता रहा हूँ मैंने वर जाने इनमें।
और मुझे तुम लोग ये बताओ, तुम लोग को बहुत मजे आते हैं इनकी क्लिपें सेंड करके मेरे डीएम्स में। मैं देख रहा होता किसी बच्ची बुच्ची का मैसेज आया होगा, कोई मजे का मैसेज आया होगा, शुगर लगाते हैं, लेकिन मैं जब भी कोई वीडियो खोलता हूँ भैं जो अगला इसकी वीडियो देख के मूड खराब हो जाता है सारा। तो बस आज के लिए इतना ही। अब अगर वीडियो पसंद आई तो यार लाइक मारो, और अगर किसी ने पहले से नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करो। और मुझे पता तुम लोग के पेपर चल रहे हैं तो उस पे ध्यान दो भाई, पढ़ाई करो बैठ के फिलहाल, क्योंकि शफकत चाचे ने बोल दिया है असी चांदते थे लोकी मानते, बाकी टेंशन नहीं लेनी, जैसे भी पेपर होते हैं होने दो, जान दो, मिस कराओ, आके वीडियो देखो, शुगर लगाओ भाई, बस पिंदी सी जिंदगी है, पेपर देके गुजारनी है क्या। अब इस वीडियो पे कर दो कम से कम 3 लाख लाइक्स, 7 लाख हो गई तो डिस्ट्रैक्ट, बाकी 3 लाख तो गाड़ी दोगे ना यार, इज्जत रख लिया करो यार, यूट्यूब और टिकटॉकर थोड़ी होना यार। वैसे भी अपनी टीम ने डिसाइड किया कि आज की वीडियो पर हर डिसलाइक करने वाले को लिंक डिस्क्रिप्शन में जाओ देखो, तेरे दोस्तों बातें करे रोज रोज। बहुत ही सही वीडियो था, मुझे लग रहा था लेट आया है, बहुत ज्यादा टाइम लिया है आज डकी भाई ने इस वीडियो को बनाने के लिए, जवाब देने के लिए, एंड इसमें बहुत सारी चीजें देखने को मिली मुझे, कई सारे लोगों को इसमें घसीट कर बहुत बुरी तरीके से मारा है, उनके पिछवाड़े पर डकी भाई ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से मारा है, सुलकर ने इनको भी घसीटा इसमें और बहुत ज़बरदस्त तरीके से, मतलब सही फैक्ट्स के साथ बात की थी उनके ऊपर भी, मतलब खुद शादी का मजाक बना बना कर शादी कर ली, शादी के ऊपर वीडियोज़ बना बना कर और दूसरों को ज्ञान दे रहे हो, मतलब नदीम नानी वाले के ऊपर जो तड़ातर थप्पड़ मारे इन्होंने वो बहुत ज़बरदस्त था, मतलब डकी भाई का क्या नाम लेना कि मुझसे एक साल एक दिन बड़ी और डकी भाई से दिन छोटी है, तो क्या डकी भाई उससे शादी कर ले। एंड वो लड़का जो नमूना था कि नदीम नानी वाले ने तो ऐलान कर दिया है डॉली से शादी करने का, चलो डकी भाई अपन भी हाथ काले पीले नीले पीले काले जो भी है वो कर लेते हैं, तो वो बहुत फनी था। टैलेंट मीठा बॉय जो था उसको डकी भाई से तगड़ा वाला प्यार हो गया है। डकी मजेदार वीडियो था, कमेंट करके बताइए, मुझे बहुत हंसी आई, कहीं कहीं तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया इसमें सुनते हुए, डकी भाई के अल्फाज, डकी भाई का गुस्सा मतलब जो निकल रहा था वो मज़ेदार था, बढ़िया रोस्ट था। कमेंट करके बताओ अगर पसंद आया तो, डकी भाई के जल्दी से 700K वाले लाइक्स करवाओ इस वीडियो पर, ताकि हमें डिस्ट्रैक्ट सुनने को मिले नानी वाला के लिए, वो भी एक रोस्ट वाला डिस्ट्रैक्ट होगा, मज़ा आएगा, जल्दी जाओ करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल ना जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखो, बाय बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ।